बाहर विदेश में लाइट जाती है तो वो यही सोचते हैं कोई बात नहीं आ जाएगी थोड़ी देर में, है ना। और किसी अच्छे शहर में लाइट जाती है तो भाई कोई नहीं, कोई फॉल्ट हो गया होगा, आ जाएगी। और हरियाणा में लाइट चली जाता हो खट्टर का नाच गया है या हुड्डा साहब के तो हुड्डा का नाच गया, लाइट नहीं गति मेरे बड़ा बारिश का पत्थर हो नहीं कि लाइट काटनी है, तो ये भाव बन जाते हैं उस हिसाब से। तो तनख्वाह मिले ना मिले कोई बात नहीं, धन्यवाद सरकार का, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी नौकरी दे रखी, इतनी बढ़िया तनख्वाह मिल रही, जितनी तनख्वाह। अच्छा चलो आप तो गवर्नमेंट जॉब, कोई प्राइवेट फील्ड में आपका भाई बहन बंधु कोई हो तो उसको बोलना कि जब भी तनख्वाह मिले, चाहे वो 5,000 मिले, चाहे 50,000 मिले, चाहे 5,00,000 मिल रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद बोलना, कृतज्ञता का भाव रहे उस धन के प्रति, वो आगे बढ़ने की उम्मीद है। अगर रोग है उसने लेते हुए तो घटने की उम्मीद है, बढ़ेगा नहीं, गारंटी दे दो। अच्छा एक प्रैक्टिकल, ये सामान्य प्रैक्टिकल बताता हूँ, ये तो करके देख सकते हो आप। बिजली का बिल सबका आता है ना, रोते तो नहीं देखे, पिछली बार इतना आया था, इनकी बार और इतना दे दिया, और हर बार बढ़ा कर देने लग रहे हैं सरकार पे। तो अब की बार जितना बिल आए ना, जितना भी आए, एक बार आंख बंद करना और उन हजारों भाई बहनों के बारे में सोचना जिनकी वजह से हम रोशनी में बैठे हुए, जिनकी वजह से गर्मियों में आपके घर एसी चल पाता है, जिनकी वजह से सर्दियों में आपके घर रूम हीटर चल पाता है, जिनकी वजह से हम सब प्रकाश में हैं। अगर रोशनी ना हो तो अंधकार में जीवन हो जाए, आज की बात। तो वो कितने भाई बहन पीछे काम कर रहे तब आपके पास रोशनी आ रही है, लाइट आ रही है। तो एक बार उन सब के बारे में सोच के और धन्यवाद करना उन सब का, और मन में ये भावना चाहिए कि मैं बिल बैल कुछ नहीं भर रही, मैं बिल नहीं भर रहा हूँ, ये सिर्फ एक छोटी सी सेवा है बिजली विभाग के लिए, मैं दान कर रहा हूँ, अगली बार उससे कम आएगा, गारंटी दी हूँ इस बात की। दूसरी बात की, आप सरकारी नौकरी करते हो लेकिन फिर भी आपके पास उस बिल से दुगुना पैसा कहां से आएगा मुझे भी नहीं पता, वो आएगा आपके पास अगर ग्रेटिट्यूड के साथ, धन्यवाद के साथ आप वो बिल पे करते हो। ऐसे ही जब भी किसी को पैसे दो या किसी से पैसे लो, तो जैसे ही पैसे का स्पर्श हो, देखो सामान्य कागज का पैसे के स्पर्श का बहुत फर्क होता है, तो जब भी पैसे का स्पर्श हो तो उस स्पर्श को महसूस करके धन्यवाद करना। एक ही लाइन लिख लो इस लाइन को, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। और जब ये लाइन बोलो तो जहां जहां से आपके पास इनकम का सोर्स है, जहां जहां से आपके पास पैसे आते हैं, उस दृश्य को महसूस करना, बस उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। जब भी बैंक के सामने से गुजरो, बैंक दिखाई दे तो उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। जब भी एटीएम के सामने से गुजरो, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आपके जीवन में धन की कमी कभी भी नहीं रहेगी। इसके विपरीत दो काम नहीं करने, बार्गेनिंग नहीं करनी कभी भी। बार्गेनिंग का मतलब है आप पैसे से प्यार नहीं करते, और जिससे प्यार नहीं करते वो आपके पास नहीं आएगा। रेहड़ी वाले के पास गए, केड़े के भाई भाई जी 60 रुपए देना, भाई 50 देता होगा दे लूंगी मैं। मॉल में गए, सर कितने हो गए, इतना बिल होगा, लो सर क्रेडिट कार्ड दे दिया, काट लो। वहां नहीं करता कोई बार्गेनिंग, हॉस्पिटल में कोई बार्गेनिंग नहीं करता। तो रेहड़ी वाला बेचारा सारा दिन तपता धूप में खड़ा खड़ा, 5 रुपए के ऊपर 10 रुपए के ऊपर मैंने लोगों को लड़ते हुए रेहड़ी वाले के साथ देखा हुआ। उल्टा चाहिए ये कि उसको हम 10 रुपए ज्यादा दे ले भाई, तो सारा दिन धूप में खड़ा रहे। वो 60 के आपने 70 दिए, 70 के 140 आपके आप पास आएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी। देखो मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले रहा हूं, लेकिन पूरे दिल के भाव से फीलिंग के साथ उसको देना, धन्यवाद आपका बहुत बहुत इतने अच्छे केले देने के लिए, इतने अच्छे फल देने के लिए। कहीं से कोई सामान लेने गए, आपको रेट समझ नहीं आया, नमस्ते कर दो जी, धन्यवाद, मेरी बात नहीं बनेगी। बार्गेनिंग मत करना, ना इतने देगा दे लूंगी मैं, ना इतने करने पड़ेंगे, ना इतने करने पड़े। बार्गेनिंग कर रहे इसका मतलब आप पैसे को अपने आप से दूर कर रहे हो। बार्गेनिंग मत करना कभी भी, अगर पैसा चाहिए जीवन में, ये पैसे के लिए हो गया जी। अब सबसे असली चीज स्वास्थ्य के लिए, एक ही सेंटेंस बोलना सिर्फ। हमारा जो एक अट्रैक्शन बता दिया मैंने, क्या सोच के सोते हैं रात को, कि आदर्श पति और आदर्श पत्नी के लिए ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा जो अट्रैक्शन होता है हमारा ये होता है, दूसरा जो सोच, दूसरी जो विचारधारा सोने से पहले, कि हमारी आयु 150 वर्ष से भी ज़्यादा हो गई है, और हम लोग छत पे, मैंने अपने प्राणायाम के लिए कुटिया बना रखी है ध्यान के लिए, तो वहाँ पे बैठ करके ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, और हम अपने बच्चों से भी ज़्यादा युवा हैं,
दूसरी विचारधारा ये होती है। अब तीसरी विचारधारा दो होती है, वो ये होती है कि हे ईश्वर, इतने सुंदर स्वस्थ एवं शक्तिशाली शरीर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम सुंदर बोलते हैं तो लगता है कि हम बहुत सुंदर हैं, जब हम शक्तिशाली बोलते हैं तो लगता है कि भुजाओं में बल है, और जब हम स्वस्थ बोलते हैं तो लगता है कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, आध्यात्मिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। तो एक अगर जीवन भर स्वस्थ रहना है तो आपको एक ही बात बोलनी है कि ईश्वर, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बस संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद बोलना है। अब संपूर्ण स्वास्थ्य में सारा आ गया, एड्डी से लेकर चोटी थी हम लोग। अब आप क्या करोगे वो भी बता देता हूं मैं। किसी को घुटनों में दर्द है? अभी नहीं होगा, उम्र कम है। कमर में होता होगा कभी, सिर में दर्द होता होगा, क्या सोचते हो? है क्या सोचते हो? मैं बताता हूँ क्या सोचते हो आप लोग, और फिर क्या हो रहा है वो आप जो हो रहा है वो आपको पता है, सोचते क्या वो मैं बता दे। हमारे पास मन तक ऐसा गलत करे अभी कौन है किसी का, हे भगवान पे आना गोडा तक गिर ले जाओगा दर्द ने। अच्छा माइग्रेन, छोटे छोटे मेरी बहन बैठी छोटी सी मेरे सामने, इतनी इतनी उम्र में माइग्रेन हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग, सिर ने पकड़े रहेंगे सारे ना, हे भगवान बस लागे चैनी हमें पांडा छूटेगा सर दर्द तो ना। दूसरा जब मेरा पड़ा दूसरे कुछ हो रहा हो, दूसरी बीमारी नहीं लागे अपने, हे भगवान ये बीमारी किसे ना दी, बस मेरे तो खतरनाक बीमारी तो किसी का नहीं है। सबसे बड़ी समस्या, सबको अपनी अपनी बीमारी दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी लगती है ना, इसमें भी गर्व महसूस कर रहा है, मैं सबसे खतरनाक बीमारी का पेशेंट हूँ। तो ऐसा फील नहीं करना है, ऐसा नहीं बोलना कभी भी। एक घुटने में दर्द है, एक में नहीं है, तो जिसमें नहीं है उसका धन्यवाद करो। कभी बाहर घूमने जाते हो आप, कोई सुंदर दृश्य आपको दिखता होगा और मन करता होगा फोटो उतार दे, करते है? लेकिन जब फोटो उतारने के लिए कैमरा उठाते हो तो क्या उसमें वही दृश्य होता जो आंखों से देख रहे हो? नहीं होता। महंगे से महंगा दुनिया का बढ़िया सब बढ़िया कैमरा लिया हुआ, उसमें भी वो लेंस नहीं है जो ईश्वर ने आपकी आंखों में लगाया, लेकिन कभी आपने आंखों का धन्यवाद नहीं किया, है ना? कभी आंखों का धन्यवाद नहीं किया आपने। इन हाथों से इतने साइन कर लिए तनख्वाह के लिए ना, इतना काम करते हमारी बहनें, सुबह उठो तो देखो रसोई में, रात में सोने से पहले भी रसोई में सारा दिन लगी रहती हैं, कपड़े धोना, प्रेस करने हैं, खाना खिलाना, बर्तन मांजने, झाड़ू पोछा करना, बस सारा दिन इन तो जिंदगी बाहर नहीं निकलती, लेकिन कभी इन हाथों का धन्यवाद नहीं किया, इन पैरों से पता नहीं कितने किलोमीटर चल लिए होंगे हमें, पैरों का कभी धन्यवाद ही नहीं किया, है ना? यो पेट सेंट्रल गवर्नमेंट बड़े शहर का, अरे सारी बीमारियां की जड़ पेट है, लेकिन पेट के अंदर जो ऑर्गन, लीवर, किडनी, आपका यूट्रस, ओवरी, आपका माने प्रोस्टेट, किसी भी इंटेस्टाइन का, किसी एक अंग का भी हमने कभी धन्यवाद नहीं किया। तो आज करवाऊंगा मैं एक बार, मैं थोड़ा सा योग निंद्रा करवाऊंगा आपके, तो कभी थोड़ा थोड़ा एक आध का धन्यवाद कर लिया करो, इकट्ठा कर दे तो फिर इकट्ठा ही मिल लगा लाभ, फिर इकट्ठा ही मिल लगा उन्हें मेरा। तो रात को सोने से पहले चाहे एक एक अंग से लग जाओ धन्यवाद करने, और धन्यवाद करके सो जाओ, ठीक है जी? तो ये थोड़ी सी हमने कुछ चर्चाएं की, अब थोड़ा सा भाई सारे बतलाओगे आप अपनी सुनान लग रहा, हमारी सुननी शुरू ही नहीं करी, तो आप लोगों के भी सुनेंगे अभी, तो एक बार सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि 45 मिनट का पीरियड होता है ना, 45 मिनट का पीरियड होता है क्या, 40 का नहीं, 45 का होता है, इसके पीछे भी साइंस है, तो इसीलिए 45 मिनट के बाद मैंने खड़ा कर दिया आपको सबको, ये ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से टाइम 45। हाँ बात बात होगी, तो चलिए मैं आपको एक काम देता हूँ, वो करेंगे सभी मेरे साथ ना, मैं क्लैप बोलूंगा तो आपको क्या करना है, क्लैपिंग करना, क्लैप क्लैप क्लैप, वेरी बहुत अच्छे विद्यार्थी सारे टीचर। अब मैं बोलूंगा जंप, तो सिर्फ एक बार जंप करना, ज्यादा
उछलने जरूरत है, थोड़ा सा ही कर देना बेसिक से, जंप, हाँ बस इतना बहुत, जंप 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 जंप, क्लैप क्लैप, जंप जंप, क्लैप जंप क्लैप क्लैप, जंप 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 जंप, क्लैप, बहुत अच्छे। अब थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे, मैं बोलूंगा क्लैप, आपको जंप करना उल्टा, और मैं बोलूंगा जंप तो आपको, ठीक है जी, हाँ थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले, जंप 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 जंप, क्लैप क्लैप क्लैप, सीख गए आप, अब अभ्यास करते हैं, ठीक है, क्लैप क्लैप, जंप जंप, क्लैप जंप क्लैप, कोई नहीं, कोई बहुत अच्छा कर रहे हैं, चलो एक बार फिर से करते हैं, जंप जंप क्लैप क्लैप, जंप क्लैप जंप क्लैप क्लैप, जंप 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 जंप, क्लैप क्लैप क्लैप, जंप क्लैप जंप क्लैप जंप क्लैप जंप, कम खाओगे कम खाओगे, ज्यादा खाओगे, नहीं लिखो आप जो बोल रहा हूं वो लिख लो, कम खाओगे ज्यादा खाओगे, ज्यादा खाओगे कम खाओगे, कम खाओगे ज्यादा खाओगे, ज्यादा खाओगे कम खाओगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कम खाओगे तो ज्यादा जियोगे, अब ज्यादा जियोगे तो फिर ज्यादा खा लोगे, अब ज्यादा खाओगे तो कम जियोगे, अब कम जियेंगे तो फिर कम खाया जाएगा, ठीक है ना, तो कम खाएंगे ज्यादा खाएंगे, ज्यादा खाएंगे कम खाएंगे। तीन लाइनें और लिख लीजिए, जाऊं के ना जाऊं, लिख लीजिए, जाऊं के ना जाऊं तो जरूर जाना चाहिए, जाऊं के ना जाऊं तो जरूर जाना चाहिए, अब कहां वो मैं बाद में बताऊंगा, पीऊं के ना पीऊं, अब पीना चाहिए जी, पीनी चाहिए ना, पीऊं के ना पीऊं तो जरूर पीना चाहिए, और खाऊं के ना खाऊं, खाऊं के ना खाऊं तो कभी नहीं खाना चाहिए, खाऊं के ना खाऊं, देखो सबसे ज्यादा जोर मैंने इसी बात पे लगाया है, खाऊं के ना खाऊं तो कभी नहीं खाना चाहिए। अब पहले वाली बात पे आते हैं, क्या बात लिखवाई पहली, जाऊं के ना जाऊं, जब भी शौच के लिए और लघु शंका के लिए, मैंने बाथरूम के लिए और लैट्रिन के लिए जब भी मन में आएगी जाऊं कि ना जाऊं तो निश्चित रूप से जाना चाहिए, वेग कभी नहीं रोकना चाहिए, मृत्यु तक भी हो जाती है इससे, हमारी बहनें बहुत लघु शंका के वेग को रोकती हैं, तो इसीलिए वो सिर में दर्द, और क्योंकि वो जल जो है वो फिर सिर की तरफ ब्रेन की तरफ जाने लगता है फिर वो, तो इसीलिए लघु शंका और मल त्याग की कभी भी वेग नहीं रोकना चाहिए। दूसरी बात मैंने कही कि पीऊं के ना पीऊं पानी, जब भी मन में आएगी पानी पीऊं के ना पीऊं तो निश्चित रूप से आपको पानी पीना चाहिए, और ये भाई कहीं जाकर के, अब इसको दूसरे उसमें मतलब लिखवाना भाई, कहीं जाकर के जो श्याम ने दवाई लेता उन्होंने कहते स्वामी जी ने बोला था पीऊं ना पीऊं तो जरूर पीनी चाहिए, अच्छा खाऊं के ना खाऊं, भोजन की बात कर रहा हूं मैं, मिठाई की बात कर रहा हूं, जो भी खाने की चीजें हैं, जिस भी चीज के मन में यह है कि खाऊं कि ना खाऊं, एक रोटी और खाऊं ना कभी नहीं खानी चाहिए, जब एक बार भी मन में आ जाए ना कि एक रोटी और खाऊं ना नहीं खानी, बात खत्म, वहीं से उठ जाओ कभी, और ये आता है आपके अंदर से, आता नहीं आता तो बस उसकी सुन लिया करो बस, ठीक है ना, तो ये फार्मूला जीवन में अपनाना। दूसरा आदर्श डाइट लिख लीजिए, सुबह 12 बजे तक, जिसको आजीवन स्वस्थ रहना ये आदर्श डाइट है, सुबह 12 बजे तक फल आहार करना है केवल,
सुबह 12 बजे तक फल कितना वो एक बार बाद में बता दूंगा। 12 से 5 के बीच में केवल सब्जियां, 12 से 5 के बीच में केवल सब्जियां, और 5 से कोशिश करें 7 तक, नहीं तो जो आपकी व्यवस्था बनती है घर में उस समय आप रोटी खाएं, 2 रोटी चावल दाल चावल जो भी खाना हो आपको, वो थोड़ा खाना, ये नहीं कि सारा दिन रोटी नहीं खा रहा कि तो ठूस दो आने दो भाई, थोड़ी खानी है, पेट भरना नहीं है। तो 5 से 7 के बीच में एक आदर्श जो समय है वो ये है, बाकी आगे पीछे होता है तो आप घर की व्यवस्था अनुसार शाम को भोजन करना। सामान्य आपने ये सुना होगा ना कि रात की रोटी छोड़ दो, हाँ, तो लेकिन शाम को रोटी खानी चाहिए, लेकिन शाम को बोला मैं रात को नहीं बोला। तो ये आदर्श डाइट है जी, सभी के लिए है, हर बीमारी के लिए है, कोई बीमारी आपके शरीर में बीमारी भी ठीक हो जाएगी सारी सारी। अब कितना खाना चाहिए एवरेज, यहाँ पर जितने भाई बहन बैठे हुए ऑन एवरेज अगर मैं वेट की बात करूँ 70 किलो मान लेते हैं, ठीक है जी, 70 किलो मान लेते हैं, 70 किलो वजन अगर आपके शरीर का, तो उसके हिसाब से आप आगे कर लेंगे कम तो कम ज्यादा। 70 किलो वजन अगर शरीर में है तो 700 ग्राम फल खाने हैं 12 बजे तक, 12 बजे तक 700 ग्राम फल खाने हैं, और 12 से 5 के बीच में 350 ग्राम सब्जी खानी है। सब्जी कच्ची की बात कर रहा हूं यहां, कच्ची सब्जी खानी। अब इसमें आ गया आपका खीरे, ककड़ी, टमाटर, ब्रोकली, बंद गोभी, मतलब जो भी सब्जी खाने का मन करे कच्ची ही खानी है, वो घिया वगैरह भी खाओ तो कच्ची खाओ। तो ये 12 से 5 के बीच में 350 ग्राम, ठीक है। और सब्जी रोटी के लिए मैंने बता दिया, तो सब्जी रोटी खाना या दाल चावल ही खाना, एक ही चीज, दोनों चीजें मिक्स मत करना उसमें। हमेशा एक समय पर एक तरह का भोजन किया करें, वो जल्दी पचेगा, क्योंकि हर पदार्थ का पचने का समय अलग अलग होता है, तो एक समय पर एक ही तरह का भोजन करें। तो ये आदर्श डाइट है आपकी, इसमें शुगर भी अगर किसी को, तो शुगर भी क्योर हो जाएगी आपकी इस डाइट से, केवल इस डाइट से, ठीक है जी। तो ये आप करें, और किसी को बहुत जल्दी अच्छे से स्वस्थ रहना है, वो एक युवाओं का एक सपना होता है स्लिम ड्रीम शरीर रहे, तो फिर कल्प कर लिया करें कभी कभी। जैसे अब गर्मी आएंगी, गर्मियों में क्या होता है सबसे ज्यादा, तरबूज, तो तरबूज कल्प कर लो कि भाई 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, या जब तक चलेगा, मतलब जितने आपकी संकल्प शक्ति है उस हिसाब से, कि तरबूज पे ही रहना है। शरीर इतना एकदम सोने की तरह, मतलब तप जाएगा अग्नि में से सोना तपता, शुद्ध हो जाएगा बिल्कुल, कोई रोग दोष बीमारी कोई टॉक्सिन शरीर में नहीं रहेगा। तो वो कल्प भी आप कर सकते, तकर कल्प आप कर सकते हो, लस्सी का कल्प भी कर सकते हो उसमें, खरबूजे का कल्प भी कर सकते हो गर्मियों के समय में, अब सर्दियों में गाजर कल्प कर सकते हो आप, चाहे वो 2-3 दिन के लिए कर लें, 1 सप्ताह के, जितना आप संकल्प है संकल्प सकते हो उतना कर सकते हो इच्छा शक्ति के अनुसार। तो ये आपका दिनचर्या में डाइट के हिसाब से हमने सामान्य बात की। दूसरा, सुबह कोशिश किया करें कि जल्दी उठें, क्योंकि मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जिनको सूर्यदेव उठाते हैं उनका कोई लेना देना नहीं, वो क्या होगा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सूर्य उदय होने के बाद में आपके पेट में गैस है वो ऊपर सिर की तरफ चढ़ने लगती है, क्योंकि समय के साथ साथ शरीर में भी बदलाव आते हैं। तो इसीलिए कोशिश करें कि सूर्योदय से 2 घंटा पहले कम से कम आप जरूर उठें, अन्यथा जो और जल्दी उठने का अभ्यासी हो सकते हैं तो 3:30 के बाद आप किसी भी समय में उठ सकते हैं। हाँ, लेकिन समय निर्धारित जो भी करें वो इस तरीके से करें, मान लीजिए एक एवरेज टाइम 5 बजे का ले लेते हैं हम, कि भाई 5 बजे उठना है, तो 5 बजे उठने का समय इस तरीके से निर्धारित करना है कि चाहे हम सोए रात को 9 बजे 5 बजे ही उठना है, चाहे हम सोए रात को 10 बजे 5 बजे उठना है, चाहे हम सोए रात को 2 बजे 5 बजे उठना है, चाहे हम सोए रात को 3 बजे, उठने का टाइम हमारा फिक्स होना चाहिए, 5 बजे उठने का समय बनाइए, क्योंकि सुबह की शुरुआत जैसी होगी वैसे ही दिन की शुरुआत हो जाएगी। और वहां से एक निवेदन मेरा और कि जब आंखें खुलें तो सबसे पहले मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ में ईश्वर का धन्यवाद करना, परमपिता परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, किस लिए, मैं जिंदा हूं। पूरी दुनिया का एक आंकड़ा बोलता है कि 2.5 लाख व्यक्ति जो ठीक ठाक सोते हैं रात को लेकिन सुबह उठते नहीं है, सुबह उठते नहीं, बिल्कुल स्वस्थ सोते हैं 2.5 लाख व्यक्ति, उठते नहीं सुबह। तो मेरी गिनती उस 2.5 लाख में
नहीं हुई, ईश्वर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दूसरी मुस्कुराहट दे सकते हो ईश्वर के लिए, अपने परिवारजनों के बारे में सोच करके कि मेरे सारे परिवार के सदस्यों की गिनती भी उन 2.5 लाख में नहीं हुई, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी मुस्कुराहट भी दे सकते हो अपने परिवार, जो समा और ज्यादा परिवार, बड़ा परिवार है, एक तो निजी परिवार हो गया, एक बड़ा परिवार, चाचा था उस, तो अगर किसी को कुछ हो जाता तो फोन आ जाता ना, फोन नहीं आया, इसका मतलब सभी ठीक है, उनकी भी गिनती 2.5 लाख में नहीं हुई है, तो ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो धन्यवाद शब्द है, इसको मैं बोलता हूं जादुई शब्द है, मैजिकल वर्ड है। जितना मोक्ष निकलेगा उतना आपका जीवन फलता चला जाएगा। और इसको देखो एक कभी एक आज के बाद ये प्रैक्टिकल करके देखना। आप बोलते हो हमेशा, किसी ने आपको लिफ्ट दे दी स्कूल तक, क्या बोलते हो? थैंक यू सर, है ना, बोलते हैं थैंक यू सर, खत्म, थैंक यू भी गया, लिफ्ट भी गई। अब क्या करना, दो बार बोलना, थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, थैंक यू, दो बार बोलना, या धन्यवाद बोलते हो तो धन्यवाद दो बार बोलना, ठीक है जी। पहली बार जब आप धन्यवाद बोलते हो तो लगता है कि औपचारिकता, केवल औपचारिकता है, दूसरी बार धन्यवाद बोलते हो तो लगता है कि इन्होंने कुछ किया है, और करने वाले को भी लगता है कि मैंने कुछ किया, अच्छा किया है। और कमाल हो जाएगा अगर तीसरी बार और बोल दिया। आप बोल के देखना, अगर सामने वाले की आंखों में पानी ना आ जाए तो मेरी गारंटी है, आंखों में आंखें मिला करके बोलना, नजर झुका के नहीं, धन्यवाद जी, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद, धन्यवाद, तीन बार बोलना, नजर मिला के बोलना, सारी जिंदगी वो आपके इस धन्यवाद वर्ड को नहीं बोलेगा सामने वाला, और आग लेके आंखें में पानी आ जाएगा, लगेगा कि भाई मैंने कुछ किया, बहुत अच्छा किया मैंने इसके लिए। तो ये धन्यवाद इतना मैजिकल वर्ड है, इतना मैजिकल वर्ड है, और हर चीज के लिए बोलना। सुबह मैं जैसे मैं एक बार फटाफट बोल देता हूँ, मैं जब उठता हूँ ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परिवार का धन्यवाद करता हूँ, और जब जमीन से मतलब बिस्तर से नीचे जब पैर जाते हैं तो उससे पहले धरती माता का धन्यवाद बोलता हूँ, और जमीन पर पैर रखने के बाद में चप्पलों का धन्यवाद बोलता हूँ, चप्पल पहन करके जब मैं वॉश बेसिन पे जाता हूँ मुँह धोने के लिए तो उस टूटी का धन्यवाद बोलता हूँ, जल का धन्यवाद बोलता हूँ। हर उस वस्तु की एक फ्रीक्वेंसी ओरा होता है, हर वस्तु का ओरा होता है। आप पेस्ट करते हैं तो पेस्ट का धन्यवाद बोलता हूँ, ब्रश का धन्यवाद, हर वस्तु का ओरा होता है, हर वस्तु आपके जीवन में काम। मैं आज तक मैंने जीवन में 2 गाड़ियां ली हैं सिर्फ, कौन सी भी गाड़ी ने सड़क पे खड़ा नहीं किया हूं। आप भी अपनी गाड़ी बैठते हो तो ऐसे करते होगे, लेकिन क्यों करते हो पता ही नहीं है। अरे गाड़ी का धन्यवाद करो, हे ईश्वर एक आदर्श गाड़ी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदर्श एक ऐसा शब्द पकड़ लो सबके लिए प्रयोग करो, आदर्श में सारे गुण आगे गाड़ी के, ना उनमें पंचर हो ना कभी एक्सीडेंट हो ना और कुछ हो, आदर्श गाड़ी के लिए ईश्वर धन्यवाद। और जब गाड़ी के ऊपर स्टेयरिंग के ऊपर से ऐसे हाथ फेरना और स्पर्श जब महसूस करो तो रोंगटे खड़े हो जाएं आपके, उस गाड़ी के लिए धन्यवाद बोलना कि ईश्वर ये इतनी मेरी गाड़ी इतनी अच्छी है, इतनी आदर्श गाड़ी है, ऐसी आदर्श गाड़ी ईश्वर सबको दे। बस इस भाव के साथ फिर चलो जहां जाना जाओ, अब कहीं जाना दूर जाना तो आदर्श यात्रा के लिए ईश्वर का धन्यवाद। और मैं तो यहां तक भी करता हूं और चमत्कार होते हैं जी, करके देखना आप। कभी किसी भीड़ वाली जगह पे जाना जहां पे गाड़ी खड़ी करने जगह ना मिलती हो, और घर से आंख बंद करके दिल से स्टेयरिंग पे हाथ लगा करके हे ईश्वर आदर्श पार्किंग के लिए धन्यवाद। अब कमाल होगा, मतलब ऐसी जगह मिलेगी जैसे आपके लिए छोड़ रखी, कहते परमात्मा नु खड़ा लठ लेकर आड़े गाड़ी नहीं खड़ी करते, कोई छोर आने लग रहा, छोरी आने लग रही है, ऐसा चमत्कार जादू होता है जी। तो ये धन्यवाद शब्द का प्रयोग पूरा दिन जितना करते रहो उतना ही धोना, ठीक है जी। तो ये अपने दिनचर्या में अपने जीवन शैली में इसका प्रयोग करके देखना। तो चलो मैं तो बहुत बोल लिया, अब थोड़ी सी आपकी भी सुन लेते हैं। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई व्याधि है, कोई रोग है, तो उसके लिए आप पूछ लें। वाधिका वटी, वृद्धि वाधिका वटी, पुरुषों को सिर्फ ये 3 लेनी है और माताओं के लिए एक और इसमें ऐड कर लेंगे, स्त्री रसायन वटी, स्त्री रसायन वटी। तो इनमें से 2-2 गोली सुबह, 2-2 शाम को, 8 गोली हो जाएंगी, मतलब इधर 6 हो जाएंगी, फोड़ करके लेना इनको या चबा करके खाना, ज्यादा असर करेंगे। सुबह शाम खाना खाने के बाद ताजी पानी के साथ लेनी है। दोबारा बोलना, सुबह शाम खाना खाने के बाद ताजी पानी के साथ। उधर बहन ने पूछा था कि सिर में दर्द, आधे सिर में दर्द रहता हो तो क्या करें,
तो जिस साइड के हिस्से में दर्द होता है सिर में, उस साइड की नोज में, नाक में काली तुलसी आती है, श्यामा तुलसी जिसको हम बोलते हैं, उसके पत्तों को कूटना, रस निकालना और उसी साइड की नाक में उस रस को डाल देना। जैसे जैसे रस अंदर जाएगा वैसे वैसे दर्द बाहर आ जाएगा, खत्म हो जाएगा उसी टाइम पर दर्द। श्यामा तुलसी के पत्तों का रस 3 से 4 बूंद रस नाक में डालना है, जिस साइड में दर्द रहता उसी साइड की नोज में, नाक में, श्यामा तुलसी के पत्तों का रस। तो हाई बीपी जिसका रहता है वो सर्पगंधा वटी, बीपी हाई जिसको रहता है वो सर्पगंधा वटी, कसवगंधा होता है ये, सर्पगंधा, सर्पगंधा वटी 2 टैबलेट सुबह 2 शाम को लेना, बीपी आपका नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। अगर एलोपैथी मेडिसिन आप ले रहे हैं साथ में तो धीरे धीरे करके उसको अवॉइड करना, एकदम से बंद नहीं करनी है वो। हाँ जी, छाइयों के लिए बहन जी आप बहुत सारे एफर्ट कर चुके होंगे, वो आप आ ही जाना मेरे पास से ले आना, बड़ी बनाई दे दूंगा। पहले ही दिन से आपकी पिगमेंटेशन पहले दिन से आराम होना शुरू हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएंगे। वो एक्चुअल मेडिसिन है स्किन के ऊपर, स्किन कलर से उभरा हुआ कोई भी कलर आया होगा उसको खत्म कर देती है, चाहे कोई भी हो, चाहे झाइयाँ हैं आपकी या और भी कोई दिक्कत है स्किन की और कोई प्रॉब्लम, उसको भी क्योर करेगी वो। तो जी मतलब मोटा होने के लिए, अच्छा भूल जाते हैं, मैंने सोचा फूलने के लिए कुछ बता दो। पर गाल, गाल ब्लैडर में जो स्टोन होती है तो क्या वो भी हो सकती है? जी 50-50 चांस होते हैं, कईयों की निकल जाती है कईयों की नहीं भी निकलती। उसमें गुड़ हल्के फूल का पाउडर काम करेगा, गुड़ हल्के फूल का पाउडर गुर्दे की, और वो ऐसी स्टोन को तो निकाल ही देगा वो। पित्त की थैली का 50% चांसेस है, लेने में नुकसान कोई नहीं, फायदा ही करेगा। गुड़ हल्के फूल का पाउडर, आप उसे याददाश्त कमजोर हो जाते हैं, याददाश्त के लिए वच आप लिख लेंगे औषधि वच, और भ्रामरी प्राणायाम करना ही है, जिसको सिर में दर्द था उसको भ्रामरी प्राणायाम जरूर करें वो, और याददाश्त के लिए वच, वच ये लकड़ी आएगी जी, इसको पीस करके पाउडर बना लेना, 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम को लेना, ताजी पानी के साथ में ले लेना, 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम। ये बहुत गजब की चीज़ है, जब हम पढ़ते थे तो हमारे आचार्य जी ने बताई थी, हम इसको जैसे पेपर देने जाना होता तो पहली रात को इसको खा के पढ़ने बैठ जाते तो सारी चीज़ याद हो जाती थी, इतनी गजब की चीज़ है। ऐसे ही तब आचार्य जी बताते थे, एक होती है तुंडी, कितना ही एनडी अपने आप में 30 मार्क हाँ दे देना पागल हो जाएगा। तुंडी एक, इसमें आयुर्वेद में आता है तीव्र बुद्धि करोर वचा मंद बुद्धि करोर तुंडी, तो तुंडी औषधि होती है, तो लिखना मत है, भूल जाना इसको, साथ साथ ही भूल जाना। सर जो ये आपने वच बताया है इसको नॉर्मली जो बच्चे, हाँ बच्चों को भी दे सकते हैं सामान्य भाव में, नुकसान कोई नहीं इसका, किसी भी समय दे देना एज ए सप्लीमेंट यूज करनी। और कितनी जी, कितनी सर? हाँ जी, प्लेन एरिया पे रनिंग रनिंग करने से कुछ नहीं होता, वो पहाड़ों में 3-4 किलोमीटर बाद ट्रैकिंग करने जाते हैं, फिर रुकना नहीं चाहिए। वो उतरते वक्त होता होगा जी, चढ़ते वक्त भी होता है। किन्नर क्लास की ट्रैक में देखे 3-4 किलोमीटर तक कुछ नहीं है, उसके बाद फिलहाल इतना तो कर दिया। उसमें ये है कि देखो, एक तो शरीर का एक हर एक अंग का ये है कि इसको जितना ज्यादा प्रयोग करोगे ये उतना ही लंबा चलेगा, तो उसमें सबसे पहला तो फार्मूला ये है कि भी इसके लिए हम कुछ ना कुछ एक्सरसाइज या सप्ताह में 10 दिन में ट्रैकिंग का आप करते ही रहें, क्योंकि ये आप, हम लोग प्लेन एरिया से हैं तो एक अलग ही होता है, यहाँ पहाड़ों में जो रहते हैं उनको नहीं होती है वो दिक्कत, और एक पहाड़ से जब उतरते खास करके उस टाइम पर एक ठोक बनती है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कभी तेज नहीं उतरना चाहिए, तो घुटने भी ठुकेंगे कुल्ले भी ठुकेंगे आपके, और वो कई एक आध बार जाते हुए कई दिनों में तो वो तो कई दिन तक पेन भी करते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा एहसास, लेकिन फिर भी घुटनों के लिए जो है अश्वगंधा अगर आप लेना शुरू करेंगे तो वो नॉर्मली ग्रीसिंग अपने आप होती रहेगी हर एक जोड़ में, वो दिक्कत खत्म हो जाएगी आपकी उससे। अश्वगंधा छोड़ जी, आप लोग सतावर लेना, आपको वो ज्यादा काम करेगा माता उन दिनों में। आंखों के लिए, नजरों के लिए भाई पूछ रहा था, एक तो नहाने से पहले पैर के अंगूठे के नाखून में सरसों का तेल डालना है, दोनों पैरों के अंगूठे, जिसको चश्मा चढ़ा हुआ चश्मा उतर भी जाएगा। वह बाथरूम में गए, कपड़े उतारे, नहाने से पहले पैरों में नाखून में सरसों का तेल डाल लिया, उसके बाद फिर नहाए और फ्री हो गए।
दूसरा खाने में जो है ना, यहाँ पे चार चीजें हैं, आप नोट कर लेंगे, गुरबंदी बादाम, मोटी सौंफ। हाँ जी, कोई गुरबंदी बादाम, ये बच्चों को भी दे देना ये प्रयोग, चाहे उनकी चश्मा चढ़ा हुआ चाहे नहीं चढ़ा हुआ, नॉर्मल देते रहना। गुरबंदी बादाम, मोटी सौंफ, सरटा मिश्री, धागे वाली जो मिश्री होती है, धागे वाली मिश्री लिख लीजिए, सरटा मिश्री लिख लीजिए, ये तीनों तो लेनी है बराबर बराबर, 100-100 ग्राम लिख लीजिए, सामान्य एवरेज 100-100 ग्राम, और 20 ग्राम सफेद मिर्च, 20 ग्राम सफेद मिर्च। एक काली मिर्च होती है जी, एक सफेद मिर्च होती है, उसी की तरह छोटी छोटी, भूरी मिर्च भी बोलते हैं उसको, तो 20 ग्राम सफेद मिर्च, सबको कूट पीस करके मिक्स करके रख लो, रात को सोने से पहले 2 चम्मच दूध के साथ देना, गरम गरम दूध के साथ, बच्चों को भी बड़ों को भी, सभी लें इसका प्रयोग करें, ये आंखों का चश्मा उतर जाएगा इससे बिल्कुल। लीवर के बारे में, लीवर फैटी हो या जॉन्डिस बार बार होता है, हेपेटाइटिस बी की भी प्रॉब्लम अगर किसी को है, काला पीलिया भी यदि किसी को हो जाए, या लीवर ऑफ सिरोसिस की प्रॉब्लम अगर है, लीवर की कोई भी प्रॉब्लम है, कुटकी लेंगे उसमें, कुटकी, या तो कुटकी ले लें या बड़ी बनाई लेंगे, तो फिर कुट जा रिस्ट, ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगी आपको बड़ी बनाई, कुट जा रिस्ट, हाँ झंडू की ले ले, ठीक है उसकी बढ़िया, कुट जा रिस्ट, ये 6 चम्मच दवाई, 6 चम्मच पानी मिला करके खाना खाने के बाद देनी, सुबह शाम 2 टाइम, लीवर की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको, कुट जा रिस्ट। ये अगर दिक्कत है तो 3 महीने लगातार ले रहे हो, तो कभी कभी लेने, तो एक एक दो दो बोतल ले ली कभी कभी, 3 महीने में आपके लीवर के टोटल सेल चेंज हो जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि 90 दिन की उम्र होती है एक सेल की, 90 दिन में हर एक सेल आपका बॉडी का मर करके नया बन जाता है, तो वो इसीलिए 3 महीने का आयुर्वेद में सभी कोर्स 3 महीने के ही होते हैं लगभग। सुबह शाम ना जी, कोई भी चीज गर्म नहीं, ना कुटजारिश नुकसान करेगी, ना सतावर तो नुकसान करता ही नहीं जी, खाना खाने के बाद, हाँ सुबह शाम दोनों टाइम खाना खाने के बाद लेने। कुटकी, अगर कुटकी लो तो इसको आधा चम्मच रात्रि को भिगोनी है, सुबह उठ करके पानी छान के पी लिया। जी, सिर के पिछले हिस्से में दर्द रहता है, नीचे नहीं रखा जाता सिर में, पीछे के हिस्से में दर्द रहता है, एक बार आप पीछे हाथ लगाएंगे, सभी देख लीजिए, दोनों जोतों के बीच में गड्ढा मिलेगा, मिला, उस गड्ढे पे अंगूठा ऐसे लगाना है और ऊपर की तरफ दबाना है, आगे से माथे पे हाथ लगा ले, थोड़ी सपोर्ट मिल जाएगी, पीछे से गड्ढे को दबाएं, या दूसरे से किसी से दबाएं तो और भी ज्यादा अच्छा, ठीक है जी। एक तो ये पॉइंट दबाना पीछे से, जोतों के बीच में गड्ढा ऊपर की तरफ, दूसरा साइड में खोपड़ी की हड्डी दिखेगी आपको यहीं पीछे, उसको भी ऐसे दबाना ऊपर की तरफ करके दोनों हाथ के अंगूठों से ऐसे, तो ये यहां से क्या होगा, जैसे यहां से इस पॉइंट को दबाएंगे आप, आपके पूरे ब्रेन में ब्लड का फ्लो आएगा, एकदम से खुल जाएगा सारी नसें, और सिर के दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा, नहीं है तो होगा नहीं, फिर भविष्य में रोज करते रहेंगे तो फिर होगा नहीं दर्द जी। मैं मुस्कुरा रहा हूं, मैं और तेज मुस्कुराने लगा, और तेज मेरे होठ पूरे खिल गए हैं, मैं और तेज मुस्कुरा रहा हूँ, और तेज, इतनी तेज मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर आने लगी कि मेरे दांत भी दिखने लगे, मैं और तेज मुस्कुराने लगा, मेरे दांत बिल्कुल दिखने लगे बाहर, मैं पूरा खिलखिलाने लगी हूँ, जैसे मैं और तेज मुस्कुरा रही हूँ, मैं और तेज मुस्कुरा रहा हूँ, विश्व धीरे धीरे आँखें खोलेंगे, आँखें खोलेंगे, मुस्कुराए तो प्रूफ कर दिया मैंने कि जो यहाँ होता है वो यहाँ होता है, और वही जीवन है। आप पिछली घटनाओं को जोड़ करके देखेंगे तो जो आप लोगों ने सोचा वही आपके साथ हुआ है, उसके विपरीत कुछ भी नहीं। एक बार आंखें खोल के रखेंगे, मुझे देखेंगे, दोनों हाथ आपकी कंधों के सीध में रहेंगे ऐसे, बस ठीक है। अब मुझे झूठा साबित करने की कोशिश मत करना, बस बस मन में बोलते रहना, जैसा होता जाए उसको वैसा ही होने देना, ठीक है ना।
जबरदस्ती नहीं करनी है कि नहीं ऐसा तो करना ही नहीं है मैंने, ठीक है ना। ठीक है तो चलिए एक बार करते हैं, आंखें बंद, दोनों हाथ सामने, मेरे हाथ आंखें बंद कर लेंगे, मेरे हाथ पास आ रहे हैं, मेरे हाथ दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, मेरे हाथ और पास आ रहे हैं, मेरे हाथ और पास आ रहे हैं, और पास और पास और पास और पास, बिल्कुल पास आने वाले हैं, पहुंच गए बिल्कुल आपस में मिलने वाले हैं मेरे दोनों हाथ, मेरे हाथ दोनों बिल्कुल पास आ रहे हैं, और पास आ गए, और पास आ गए, और पास आ गए, और पास बिल्कुल पास आ गए, और पास बिल्कुल पास आ गए, बिल्कुल मिलने वाले मेरे दोनों हाथ, मेरे दोनों हाथ मिलने वाले हैं बिल्कुल, और पास और पास और पास और पास, बिल्कुल मिल गए मेरे हाथ, जो जहाँ वहीं पर आके खोल लेगा, बस ऐसे ही अपने हाथों को देखें, नहीं मिले इनके बिल्कुल नहीं। जो थोड़ा बहुत भी ध्यान में बैठते हो ना, मेरे हाथ, मैं जो बोल रहा हूँ वही बोल रहा बस मन में, मेरे हाथ एकदम पत्थर की तरह टाइट हो गए, एकदम पत्थर की टाइट, एकदम पत्थर की तरह लकड़ी जितने मजबूत हार्ड एकदम मेरे हाथ हो गए हैं। अब मैं फिजिकली इनको खोलने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन देखता हूँ ये और ज्यादा हार्ड हो रहे हैं, और ज्यादा हार्ड हो रहे हैं, और ज्यादा हार्ड होते जा रहे हैं, और ज्यादा हार्ड हो रहे हैं। मैं खोलने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन खुल नहीं रहे, लॉक लग गया, बिल्कुल लॉक लग गया, एकदम ताला से लग गया, खुल ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, और ज्यादा हार्ड, और हार्ड, और हार्ड हो रहे हैं, मेरे हाथ खुल ही नहीं रहे। मैं पूरा जोर लगा दिया लेकिन खुल ही नहीं रहे मेरे हाथ, खुल ही नहीं रहे। विश्राम, रिलैक्स, 3, 2, 1, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, लगाया था जोर, ये यहाँ की पावर है। तो देखो बहुत सामान, आप घर से सुबह जब चले तो कहाँ के लिए सोच के चले थे,